हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। इसके साथ साथ अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिए फ्रेंड्स। तो फिर आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के, जो कि यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। आप कैसे टाटा मोटर के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स के क्या क्या वैकेंसी निकला है रिसेंटली, मैं आपके साथ वो सब बात शेयर करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो टाटा मोटर्स के रिक्रूटमेंट के, ये क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या क्राइटेरिया है इस जो कि टाटा मोटर्स के साथ काम करने के लिए। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट ये एक यहाँ पे जो कि टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना होगा। तो इसका जो लिंक है ऑफिशियल की लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली आ सकते हैं। तो फिर आपको इस पेज के आने के बाद आपको जो कि नीचे लिखा हुआ है करियर ऑप्शन, करियर ऑप्शन के नीचे जो कि लिखा है ज्वाइन आस, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे और दूसरा एक पेज खुलेगा जो कि इसका करियर के जो कि रिक्रूटमेंट के जो कि यहाँ पे पेज है, आपको यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो कि यहाँ पे सर्च जॉब है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। सर्च जॉब पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो जो रिसेंटली जॉब निकला हुआ है आप वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि जॉब है निकला हुआ है। फर्स्ट जॉब जो कि है यहाँ पे सीनियर मैनेजर कंसर्वेंसी एंड मेलिंग के जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसका जो लास्ट पोस्टेड डेट है 6/9/2018। इसके साथ साथ और भी जॉब जो कि निकला हुआ है इंजीन मैकेनिक मैकेनिक शॉप BHR कंट्रोल्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल डेवलपमेंट इंजीनियर। तो इस तरह से बहुत सारे जॉब जो कि यहाँ पे निकला हुआ है। अगर इसमें से कोई अगर पसंद नहीं है आप नेक्स्ट करके यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिख नेक्स्ट कर करके आप और भी बहुत सारे जो कि जॉब है आप लोग वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे जो बहुत सारे जो जॉब है आपके उस जॉब के साथ अगर आपके क्वालिफिकेशन मैच करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है सीनियर मैनेजर कंसल्टेंसी एंड मेलिंग के जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के सिलेक्शन एक्शन में आपको क्लिक करना होगा। सिलेक्शन एक्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई जो कि लिंक है अप्लाई के ऑप्शन है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको और एक पेज आएगा जिसकी आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स के कोई अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, या मेरे तरह अगर आप पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं या पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पर जो कि क्रिएट एन अकाउंट जो कि जो न्यू लोग या इंटर होता है आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे उस क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो कि ईमेल एड्रेस रिट्राइव ईमेल एड्रेस चूज पासवर्ड रिट्राइव पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको जो कि यहाँ पे देना होगा। इसके देने के बाद आपको आपका अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कि साइन इन करना होगा। तो फ्रेंड मैं तो अभी इसका जो अकाउंट है मैं कर लेता हूँ। मैं इसके बाद मैं आपको बोलूँगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो दोस्तों इसके बाद साइन इन करने मैं अभी क्रिएट अकाउंट जो कि है मैं वहाँ पे मेरा अकाउंट जो कि है क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक आएगा जो कि एक और पेज आएगा जिसमें आपको मांगेगा आपका CV। तो मैं यहाँ पे मेरा जो CV है मैं वो अपलोड कर देता हूँ। तो CV अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, CV अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो कि है नेक्स्ट करना देना होगा। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका जो और भी जो कि यहाँ पे है आपको फॉर्म है आपको फिलअप करना होगा। तो नीचे जो आपको लिखा हुआ है कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपको अगर आपके कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर और कोई आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है
तो आप वो भी यहाँ पे डाल दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आपके लैंग्वेज में स्किल है, अगर आप कोई हिंदी इंग्लिश और इसके अलावा आप और कोई अगर लैंग्वेज आपके पता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप कौन से इलाका में आप मतलब जॉब करना पसंद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो भी देना होगा। तो फिर ये देने के बाद आपको यहाँ पे पास में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो कि सीबी आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको सीबी सबमिट कर देना होगा। सीबी सबमिट कर देने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि है एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपके पास है तो आप दे सकते, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है देने के लिए। तो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जो कि है यहाँ पे कॉलम आपको सब कुछ भर देना होगा। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद अगर आपके ये फॉर्म आपको उसके इस जॉब के से मिल जाता है या आप क्वालिफाई करते हो इस जॉब के लिए, तो उसके तरफ से एक मेल आएगा, कॉन्फर्मेशन मेल। उसके आपको बोला जाएगा कि अगर ये इंटरव्यू होगा, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू के थ्रू के आपको जो कि सिलेक्शन होगा। तो उस तरह कंपनी से एक कॉन्फर्मेशन मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो तो आपके पास होने के बाद आपको ये जॉब जो कि है मिल जाएगा। तो ये था इस तरह से आप टाटा मोटर्स के और भी जो कि जॉब निकला हुआ है आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो टाटा मोटर्स के जॉब के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो प्लीज़ फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था टाटा मोटर्स के रिसेंटली जो कि वैकेंसी। थैंक यू।